आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इन लव जिहाद करने वालों को सलाखों के पीछे भिजवा सकते हो और ये लव जिहाद सही मायने में है क्या। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को हिंदू मुस्लिम बना के लोगों को बांटने में लगी है। ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज आपके दिमाग के सारे पर्दे खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लव जिहाद है क्या, क्या है इसकी रियलिटी। अकॉर्डिंग टू कुरान, एक मुस्लिम मैन या एक मुस्लिम वुमन एक गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते हैं। एंड मैं वो वर्स रीड करता हूँ, चैप्टर 2 वर्स 221। डू नॉट मैरी पॉलिथिस्ट वुमन अंटिल दे बिलीव, एंड अ बिलीविंग स्लेव वुमन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट वुमन इवन दो शी माइट प्लीज यू। पॉलिथिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा भगवानों में विश्वास रखता हो। सो इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू कुरान, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसका बिलीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में हो। सो अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को किसी गैर मुस्लिम से शादी करनी है तो सबसे पहले उसे अपने पार्टनर को इस्लाम कबूल करवाना होगा, और इसे ही लोग कहते हैं लव जिहाद। सो यहाँ पर कुरान और संविधान दोनों में ही मतभेद होता दिख रहा है, बिकॉज आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, बट दूसरी तरफ कुरान कहता है कि अगर आपको शादी करनी है किसी गैर मुस्लिम से तो उसको पहले इस्लाम कबूल करवाओ, उसका विश्वास पहले अल्लाह में करवाओ। और इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मीडिया दिखा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज बता रही हैं। लेकिन कुरान एक चीज और कहता है कि फोर्सफुल कन्वर्जन, किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना वैलिड नहीं है। यस, चैप्टर 2 वर्स 256, नो कंपल्शन इन रिलीजन। मतलब किसी को भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। तो ये लव जिहाद कैसे हुआ? ये तो कोई नॉर्मल सा ही क्राइम होना चाहिए था ना, बिकॉज इसके पीछे कुरान की तो कोई सैंक्शन है ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि आज भी कई मुस्लिम सूरह 2 आयत 256 के बारे में नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ पर कुरान और संविधान दोनों ही एक बात बोल रहे हैं। कुरान चैप्टर 2 वर्स 256 एंड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन सबके पास है। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना लव जिहाद है? आप बताओ। हाँ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के केसेस सामने आए हैं, बट इसको एक कम्युनल कलर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये लव जिहाद टर्म जान के कॉइन की गई है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो कोई भी करवा सकता है, इसका किसी के धर्म से नाता नहीं है, इसका नाता है छोटी सोच से कि मेरे धर्म के लोग सबसे ज्यादा होने चाहिए। अब ये सोच कि मेरे धर्म के लोग सबसे ज्यादा होने चाहिए, ये किसी में भी आ सकती है, ये किसी भी धर्म के व्यक्ति में आ सकती है, ये हिंदू में भी आ सकती है, मुस्लिम में भी आ सकती है, क्रिश्चियन में भी आ सकती है, या किसी और में भी आ सकती है। अभी आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, उसमें भी आपको दिख जाएंगे। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और इस क्राइम को एक मुस्लिम नाम देके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ठप्पा लगा देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह का नाम देने से एक कम्युनिटी पहले ही अपराधी साबित हो जाती है। तो इस छोटी सोच वाले क्राइम को किसी धर्म से जोड़ देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो अब इन छोटी सोच वाले लोगों को जेल में कैसे भेजे, वो बताने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इनको जेल में भेजना क्यों जरूरी है। इंडिया में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और सभी को अपने रिलीजन से, अपने धर्म से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में मैं आ जाता है कि मेरा रिलीजन, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरे भगवान सबसे ऊपर है, और यहीं से कहानी खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई रूलिंग्स दे चुका है जिसके हिसाब से दो अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। सिंपल, स्पेशल मैरिज एक्ट भी एनएक्ट हो चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अपना सकता है, यह उसकी पर्सनल चॉइस है। बट अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गिवन बाय चीफ जस्टिस रे, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन का मतलब किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है। मतलब किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का राइट किसी के पास नहीं है। एंड कुरान भी चैप्टर 2 वर्स 256 में यही कहता है, नो कंपल्शन इन रिलीजन। लेकिन मीडिया ने, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कम्युनल कलर देने के लिए लव जिहाद नाम जैसी चीज को जनता के दिमाग में डाल दिया। वो जनता जो आज भी भ्रमित है, वो जनता जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें लोग अपनी छोटी सोच को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर पर जबरदस्ती करते हैं, और शॉकिंग फैक्ट तो यह है कि वो शादी ही इसलिए करते हैं ताकि अपने धर्म के लोगों को बढ़ा सके। तो इसी वजह से नाजायज धर्म परिवर्तन को लेके कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर अपने लॉज बना रही हैं, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी लॉज बना चुकी हैं। लेकिन
अभी भी कोई नेशनल लेजिस्लेशन नहीं है जो कि पूरे इंडिया पर समान रूप से लागू हो। तो क्वेश्चन यहाँ यह है कि जब कोई लॉ नहीं है, कोई नेशनल लेजिस्लेशन नहीं है, तो इन छोटी सोच वाले लोगों को हम जेल कैसे भिजवाएंगे? तो इन छोटी सोच वाले लोगों पर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी रेप के चार्जेस लग सकते हैं, सेक्शन 419 एंड 420 ऑफ आईपीसी एज द केस में भी धोखाधड़ी के चार्जेस लग सकते हैं। और अगर ये इनका धंधा है कि पहले ये लोग शादी करते हैं और उसके बाद अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, फिर ये दूसरी शादी करते हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इन पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी एक्शन लिया जा सकता है। तो इन लोगों पर भी नॉर्मल प्रोसीजर ही चलेगा, ये कोई एलियन नहीं है, ये भी नॉर्मल अपराधी ही है। लेकिन इस अपराध का मुस्लिम नाम क्यों? सो आपका क्या स्टैंड है इस लव जिहाद टर्म पर? क्या आपके हिसाब से इस नाम को जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुरान भी चैप्टर 2 वर्स 256 में इस चीज को मानता है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये लव जिहाद सही में मुस्लिम बिलीव्स के आधार पर है या ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की छोटी सोच है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। दैट्स ऑल।